इसलिए कि बालों के मसले में ऐसा है कि एक बार बाल चला जाता है तो दोबारा आ नहीं पाता, ऐसा मेंटेलिटी लोगों का बन चुका है। और प्रॉपर इलाज नहीं मिलने की वजह से बहुत परेशानी होती है लोगों को, और लोग जगह जगह ट्रीटमेंट करा के थक जाते हैं, लास्ट में मायूस हो जाते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा अगर पैसा से बाल आ जाता तो आज तक अनिल अंबानी का बाल नहीं गया होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसा से बाल नहीं आता है, सोचने समझने की बात सच्चाई है कि एक बार बाल चला गया तो नहीं आता है, लेकिन अगर आप सही जगह पे सही ट्रीटमेंट आपको मिलता है तो बाल वापस आ जाता है, रूट्स मजबूत होता है और बाल झड़ने में भी कमी आएगी, बालों में शाइनिंग आ जाती है। हाँ, तो ये चीज़ है। तो ये हम लोग 3-4 तरह की दवाइयाँ जो है मिला के हम लोग देते हैं पेशेंट को, अलग अलग हर पेशेंट का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज़। आप बाल आपका गिर रहा है, अगर आप बाल गिरने से परेशान हैं तो बिल्कुल आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हम, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने रिजल्ट को देखा है, बारीकी से इन कार्य को मैंने देखा है, उसके बाद से मैं सोचा क्यों ना और लोगों को फ़ायदा हो। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तेतहली में है और एक पन्ना मार्केट में जाइएगा उसके बगल में, वहाँ पे भी एक इनका क्लिनिक होगा सिवान में, और एक जो कि बरौली रोड है और तेतहली में एक इनका क्लिनिक है। डॉक्टर फिरोज़ आलम है और ये नए नहीं हैं, ये इनका एक्सपीरियंस लगभग 21 साल का है, जो कि दिल्ली में ये अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे चुके हैं। अब इनको लगा कि फैमिली के साथ टाइम को स्पेंड करना चाहिए और अपने देहात एरिया में रहकर लोगों को ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो इन्होंने तेतहली में खोला है और एक सिवान में इनका क्लिनिक है। और मैं बता दूं, ना ही ये एलोपैथिक है, ना ये होम्योपैथिक दवा है इनका। ये जो दवा है पता नहीं क्या बता रहे थे हमसे, इलेक्ट्रोक होम्योपैथिक है, जो कि पेड़ के जड़ से बनाया जाता है, वो ये दवा है। आप लोगों को लग रहा होगा अगर पैसा से बाल आ जाता तो आज तक अनिल अंबानी का बाल नहीं गया होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसा से बाल नहीं आता है, सोचने समझने की बात है। यहाँ पे अगर आप मौका देते हैं यहाँ पे, तो इनके जगह पे आप बेहतरीन तरीके से आराम से आप लोग यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, इलाज भी करवा सकते हैं। पटना हो या देवरिया हो, गोरखपुर, कई ऐसे लड़के हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कि फ़ोन के माध्यम से यहाँ पे आते हैं, कॉन्टेक्ट करके अपने बाल के बेहतरीन यहाँ पे करवा देते हैं। आजकल टेंशन से बाल को उड़ जाता है, लेकिन अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो सर जेंट्स हो या लेडीज़ हो, दोनों का अगर बाल गिर रहा है तो आप फरीदी हेयर क्लिनिक सेंटर पे आप लोग आ सकते हैं। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर भी देख रहे होंगे, आप लोग सर से बात कर सकते हैं। हमने भी इनसे कई ऐसे कस्टमर भेजा हुआ है इनके पास और अच्छा रिजल्ट भी आया हुआ है। हम जानेंगे, दवा एक बार देख सकते हैं। ये कोई यहाँ पे नहीं था कि एक भवंडर है, ये हो फलान है टेकान है, ये कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्लीन है एकदम इनका क्लिनिक। यहाँ पे आप देखिएगा, एकदम छोटा छोटा बोतल में दवा रखा होगा और ये छोटा छोटा ये बोतल में यहाँ पे लगाने वाला और पीने वाला दवा रखा होगा। तो जो कि हेयर वाला है, बेहतरीन तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं फिरोज साहब, जो कि 21 साल का एक्सपीरियंस है। सर पहले कहाँ आप देखते थे? पहले मैं दिल्ली में था और 21 साल से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। अब जो है यहाँ पे जो है, मेरे को लगा कि यहाँ के लोगों की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ पे अपना पूरा वक्त दे रहा हूँ ताकि लोगों का भला हो यहाँ पे। इसलिए कि बालों के मसले में ऐसा है कि एक बार बाल चला जाता है तो दोबारा आ नहीं पाता, ऐसा मेंटेलिटी लोगों का बन चुका है। और प्रॉपर इलाज नहीं मिलने की वजह से बहुत परेशानी होती है लोगों को, और लोग जगह जगह ट्रीटमेंट करा के थक जाते हैं, लास्ट में मायूस हो जाते हैं। और मेरे यहाँ जो है अल्लाह के फजल करम से काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और काफ़ी सेटिस्फाइड हैं लोग, और काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं मेरे पास। आपके बाल भी बता रहे, इतना उम्र हो गया अभी एक बाल अभी नहीं गया। मैं भी यूज़ करता हूँ दवाइयाँ, अगर मेरा ही बाल नहीं रहे तो कोई पेशेंट जो है दवा नहीं लेगा, इसलिए मैं खुद पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। और ये हर्बल मेडिसिन है, 100% प्योर पौधों का रस होता है, इसका कोई नुकसान नहीं होता। किसका रस होता सर? पौधों का रस होता है ये, पेड़ पौधों का जो है प्योर रस होता है। और ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे, जो ह्यूमन और प्लांट का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे हमारी दवाइयों का अर्क निकलता है, इसका रस निकलता है, इसलिए दवाइयाँ जो है तुरंत काम करती हैं। और 20-21 दिन में, मतलब महीने के अंदर अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिख जाता है, नया बाल आना शुरू हो जाता है। आपके दवा से जो खाना सर पेट भी साफ रहता है? हाँ, पेट वगैरह भी साफ होता है, शुरू है। जी, ये यूनिवर्सल रेमेडी है, इसलिए कि बाल झड़ने का एक वजह नहीं होता। तो ये जो हमने जो मेडिसिन बनाई है ये कम्बाइंड है, इसमें 30-40 पौधों का रस होता है, जो कि अगर ब्लड की कमी होगी तो उसको पूर्ति करेगी, पेट में कोई गड़बड़ी होगी तो उसको दुरुस्त करेगी, ठीक है। इसके अलावा जो हार्मोन की गड़बड़ी हो जाती है, और कभी कभी जो है कुछ और वजह से, जैसे टाइफाइड बुखार रहा हो उसके वजह से भी जो है बाल झड़ने लगता है, लंबे टाइम तक आपने दवाइयाँ खा ली उसके घर में, हाँ मेडिसिन से। तो इन सबको देखते हुए हमने जो है ये तैयार किया है। सर एक सवाल है, लोगों के पास बहुत पैसा रहता है लेकिन
उन लोग का बाल झड़ जाता है, तो उन लोग का बाल क्यों नहीं आ पाता है? ऐसा है कि वहाँ पे जो है ये ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, उनको पता नहीं है, ठीक है, और इम्पॉसिबल बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि पॉसिबल हो जाती हैं, तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। ये बात सच्चाई है कि एक बार बाल चला गया तो नहीं आता है, लेकिन अगर आप सही जगह पे सही ट्रीटमेंट आपको मिलता है तो बाल वापस आ जाता है। हम ये भी सुने हैं कि सर आपके जो क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं, आप देखते हैं कि बाल नहीं आने वाला, दवा आप नहीं देते हैं? हाँ जी जी बिल्कुल मना कर देता हूँ। अभी हमने इसी महीने में 10-12 आदमी को वापस किया, हालांकि बहुत दूर दूर से लोग पेशेंट थे। हाँ बिल्कुल, जो चिकना होता है ना, कम्प्लीट स्मूथ स्काल्प हो जाता है, जो जिसमें शाइनिंग आ जाता है स्काल्प पे, स्किन पे, उस पर दवाई काम नहीं करती है, तो उसको फिलहाल मैं काम नहीं कर रहा हूँ उस पर। और फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ होगा, कुछ इस तरह का आएगा, तो फिर मैं करूँगा, लेकिन अभी मैं नहीं करता। मतलब जो ऐसा लगता है कि पेशेंट को दवा देने का फायदा नहीं होगा, दवा देते ही नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं देता हूँ मैं उसमें, इसलिए कि थोड़ा काम करूँगा। हाँ शिकायत भी होगी और प्लस थोड़ा काम करे और अच्छा काम करे आदमी। हाँ यही इंटेंशन है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। लेडीज़ हैं, महिलाएँ हैं, उनका हेयर फॉल की बहुत समस्या है, तरह तरह का तेल यूज करके लोग थक जाते हैं, थक जाती हैं, नहीं बाल रुक पाता। हमारे यहाँ जो है महीने में रिजल्ट आ जाता है। हाँ महीने में हेयर फॉल में कमी आ जाती है। थोड़ा टिप्स दीजिएगा व्यूअर्स को, जो कि बाल क्यों गिरना शुरू हो जाता है, कोई वजह इसका, मतलब कैसे रोका जाए? हाँ बाल जो है, हाँ देखिए ऐसा है कि तरह तरह का शैम्पू इस्तेमाल करने से रूट्स कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, और आजकल का स्ट्रेस है आदमी के ऊपर, तरह तरह की चीज़ें, इंसान जो है आजकल का ऐसा माहौल हो गया है कि कभी ये तेल इस्तेमाल कर ले, कभी ये ऐड देख के इस्तेमाल कर ले, इससे जो है नुकसान हो जाता है इंसान को, जो है साइड इफ़ेक्ट होता है केमिकल के इस्तेमाल से। ऐसे नॉर्मली आप जानते ही हैं कि उससे नुकसान होता है। और जो हम लोग बताते हैं, हमारी जो मेडिसिन है ये 100% प्योर हर्बल मेडिसिन है, इसके इस्तेमाल करते ही आपको 10-12 दिन 15 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। बोले उधर ही सब ब्लैक बोले क्या है ये वाला? ये तेल है, ठीक है। हाँ हाँ ये तेल है, ये ठीक है, ये हेयर इलेक्ट्रो हर्बल ऑयल का ही है, ये हमारे ही कंपनी का। हाँ ये तेल है ये, और इसमें जो है इसके लगाने से जो रूट्स मजबूत होता है और बाल झड़ने में भी कमी आएगी, बालों में शाइनिंग आ जाती है। हाँ तो ये चीज़ है। तो ये हम लोग 3-4 तरह की दवाइयाँ जो है मिला के हम लोग देते हैं पेशेंट को, अलग अलग, हर पेशेंट का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। एक ऐसा नहीं कि बस बाल के एक ही नहीं, नहीं एक नहीं है, हर आदमी नहीं, हाँ हाँ सब कंडीशन अलग अलग होता है ना हर आदमी का, हर आदमी वेरी करता है, इसीलिए कुछ लोगों में जिसमें कामयाबी नहीं मिल पाती, हमको आइडिया हो गया कि इस आदमी का बाल नहीं आ पाएगा, उसमें हम मना कर देते हैं, उसको दवा नहीं देते हम, इसलिए कि एक आदमी को दवा देते हैं अगर मान ले तो उसका वक्त भी बर्बाद करिए, पैसा भी बर्बाद करिए, तो ये चीज़ हमारे को पसंद भी नहीं है और ये अच्छी चीज़ है भी नहीं। किसी को जो कोई दूर से आ रहा है 50 किलोमीटर से, अब आप उसको जो है गलत तरीके से दवा दे के उसको उसका वक्त भी बर्बाद करिए, पैसा भी लीजिए, रिजल्ट भी नहीं आया। जैसे बाल का आपका प्रॉब्लम था? मुझे तो काफ़ी सालों से थी, मतलब 1-2 साल से था, और मतलब इमिडिएटली झड़ता ही जा रहा था बाल। उसके बाद इनका पता चला, पहले एक जगह दिखाया था तो उन्होंने काफ़ी सारे ऑयल वगैरह लिख दिए थे और शैम्पू मतलब वगैरह वगैरह लिख दिए थे, तो मेरा काफ़ी पैसा भी वेस्ट हुआ लेकिन उससे कुछ बेनिफिट्स मुझे मिला नहीं। और उसके बाद इनका पता चला तो इनके पास आए, तो इन्होंने कहा, मुझे बताया भी कि आपका 15 दिन से 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद रिजल्ट देखा मुझे, फिर मैंने नेक्स्ट मंथ की मतलब जो भी खुराक होती है वो लिया, उसके बाद आज अच्छा मतलब है, फ़ायदा है आपको? बहुत फ़ायदा है। हाँ मतलब अगला कस्टमर आया? नहीं मैंने खुद 2-4 को रेफर किया है, वो आए हैं। हाँ वो आए हैं और उनका भी बेनिफिट्स मिला है। मेरा एक छोटा भाई है उसको भी रेफर किया था मैंने, खुद लेके आया था मैं, तो उसका भी अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो उसका भी ग्रोथ हो रहा है धीरे धीरे। कहाँ से घर पड़ेगा आपके? बड़ा सरा। बड़ा सरा जी। आज आप सुबह में दवा के लेके चले जाते हैं? इस तबाक से मुलाकात भी हो गया? हाँ अभी दवा चल ही रहा है आपका ना? हाँ मेरा मतलब मैंने अभी छोड़ दिया है क्योंकि मेरे 3-4 महीने ही चला था मेरी दवाई, उसके बाद गैप हो गया था, मैं रहता नहीं हूँ यहाँ पे, तो फिर भी ये दिल्ली से कुरियर वगैरह कर देते हैं, तो अभी मेरा गैप चल रहा है। गैप चल रहा है मतलब दवाई फायदा बहुत है? फायदा बहुत है। आपका शुभ नाम क्या होगा? लियाकत अली। लियाकत अली। हाँ गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मोहम्मद कामरान अली हुआ और मैं पटना ज़िला से बिलोंग करता हूँ। पहले मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता था, बहुत परेशान था मैं हेयर फॉल से। उसके बाद मुझे पता चला है डॉक्टर फिरोज आलम के बारे में, जो सिवान ज़िला में बैठ के देखते हैं, उनसे मैंने कंसल्ट किया और उन्होंने दवा चलाया, मेरा 3-4 महीना दवा चला है और मेरा आज बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है बाल में, बहुत